हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनिमल मेनिया 2018। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ हाउस फ्लाइज के बारे में। गाइस हाउस फ्लाइज का जो साइंटिफिक नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। इनकी आंख होती है रेड कलर की, विंग्स होते हैं सिंगल और मेम्ब्रेनस, और जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है वो होती है 6 से लेकर 7 mm तक, और स्किन इनकी हेयरी होती है। गाइस जो फीमेल्स होती है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार मेटिंग करती है, उसके बाद जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर कर लेती है बाद के यूज के लिए। एक टाइम में ये 100 अंडे तक दे सकती है और लाइफ टाइम में 1000 अंडे तक दे सकती है। जो अंडे होते हैं गाइस ये डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल में देती है, जैसे कि फूड वेस्ट में। अंडे जो होते हैं गाइस वो 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर हैच हो जाते हैं लेगलेस लार्वाज में। 2 से 3 दिन के डेवलपमेंट के बाद जो लार्वा होते हैं वो पुपा में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बाद। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होती है गाइस, जिसमें कि फिजिकल चेंज होता है, किसी भी जो हैचलिंग्स होती है उनका फिजिकल चेंज होता है। तो गाइस पुपा के बाद एडल्ट फ्लाइज में कन्वर्ट होते हैं। जो इनकी एज होती है वो 2 से लेकर 4 वीक्स तक होती है, इनकी 30 दिन तक हो सकती है। और इनकी एज जो होती है वो विंटर्स में ज्यादा होती है, बिकॉज ये विंटर्स में हाइबरनेट कर लेते हैं। गाइस जो एडल्ट फ्लाइज होते हैं ये क्या करते हैं कि ये कार्निवोर्स होते हैं, ये लिक्विफाइड खाना, सेमी लिक्विफाइड खाना या सॉलिड भी खा सकते हैं। जो ये सॉलिड खाना खाते हैं पहले अपने सलाइवा से लिक्विफाइड करते हैं, उसके बाद उस सॉलिड खाने को लेते हैं। गाइस ये जो हाउस फ्लाइज होते हैं ये लेबोरेटरीज में भी यूज होती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए और एजिंग के लिए, ये लेबोरेटरीज में भी यूज होती है। गाइस हाउस फ्लाइज से काफी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। हाउस फ्लाइज से ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलेरा, डायसेंट्री जैसी बीमारियां फैलती हैं। ये जो होती है गाइस ये काफी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं जो कि फैल रही हैं। ये माना जाता है कि स्प्रेड ऑफ हाउसफ्लाई इज स्प्रेड ऑफ डिसीज, यानी कि हाउसफ्लाई जितना बढ़ रही है, जितना किसी के घर में जा रही है, जितना खाने में बैठ के गंदगी फैला रही है, उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिसीज फैल रही है। यूएसए, चाइना ऐसी कंट्रियों में कई ज्यादा स्टेप्स लिए गए हैं इन हाउसफ्लाइज की स्प्रेड को रोकने के लिए। गाइज जो भी बीमारियां होती हैं हाउसफ्लाइज से वो क्या होती है, अगर अनट्रीटेड रह गई ये बीमारियां तो इससे हमें डेथ भी होने का खतरा हो सकता है। गाइस जब भी आपके खाने में बैठती है और अपने हाथों को रब करती है तो अपने हाथों को ये साफ करने के लिए रब करती है, और जो पैथोजेंस होते हैं गाइस वो आपके खाने में गिर जाते हैं। अगर आपने उसी खाने को खाया तो उसके बाद काफी ज्यादा आपको परेशानी हो सकती है। गाइस इनको रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऐसा कुछ बैरियर लगा दें जिससे कि ये आपके घर में ना आ सके। दूसरा है कि आप फैन को ऑन कर दें जिससे कि हवा जो होगी वो इन्हें अपोज करेगी, बाहर फेंकेगी। तीसरा जो है गाइस आप स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में इनसे बचने के लिए। और अगर आपके घर में काफी ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं अपने खाने को बचाने के लिए, अपने खाने को हमेशा ढक के रखें, जिससे कि क्या होगा कि हाउसफ्लाइज आपके खाने में नहीं बैठ पाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।